हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग के लिए लेके आया हूँ वीवो का Y20 पर। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला इसी फोन की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, एक बार इस बॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं और फिर इसके बाद में हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम इसकी करते हैं सील को ब्रेक करते हैं, और सील ब्रेक को करने के बाद हम जो है अपने फोन को बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो निकल के आता है इसमें से एक केस, जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, बट आपको मार्केट से दूसरा लेना पड़ेगा। और ये है इसके साथ, जो फ़ोन के साथ हमेशा आती डॉक्यूमेंटेशन की गाइड है। और अगर इसके बाद हम देखें तो सेकंड नंबर पर हमें अपना दिखता है ये फ़ोन। तो ये है हमारा फ़ोन। दोस्तों, तो देखने में हमें इसका काफ़ी प्यारा सा प्रीमियम सा लुक देखने को मिलता है। इसकी ये 6.5 mm जो 5 इंच की जो है जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है, और बैक की तरफ देखें तो एकदम डायमंड कट आपको जो है डिज़ाइन मिलने वाली है। और ये देखो, इसमें आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कैमरा है वो कॉर्निंग कैमरा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। जब ये कैमरा ऊपर की ओर से उठा हुआ है तो आपको जो है इसमें कवर लगा के रखना पड़ेगा। और अगर हम इसकी साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये जो है फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके साथ ही साथ ये पावर लॉक अनलॉक बटन है, और ये वॉल्यूम की बटन है। और इसके अलावा देखा जाए तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलती है, और ये जो है टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। नॉइज कैंसिलेशन का माइक भी दिया गया है, अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये है 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो ये साइड बिल्कुल प्लेन है, और ऊपर की तरफ जो है आपको यहाँ पर एक सिम लगाने का स्पेस मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप सिम जो है नैनो सिम लगा पाएंगे, साथ ही साथ इसमें मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट लगा पाएंगे। अब फ़ोन को अगर साइड में रखते हैं तो देखते हैं कि इसके बाद हमें बॉक्स में मिलती है एक टाइप सी केबल, और टाइप सी केबल के अलावा हमें मिलता है यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जर वीवो का, जो कि आपकी 5000 mAh की बैटरी को लगभग लगभग 1 घंटा 30 मिनट में पूरा चार्ज कर देगा। तो अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आप यहाँ पर डिस्प्ले और इसके वॉल्यूम के साउंड सुन पा रहे होंगे। तो इसकी जो साउंड है वो काफ़ी क्लियर एकदम से साउंड है, और इसके ग्राफिक्स को देखें तो आप एकदम HD ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में आपको कोई भी जो है दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ोन के हाईलाइटेड फीचर्स की तरफ देखें तो हमेशा वीवो के फ़ोन में जो रहता है मेन हाईलाइटेड फीचर होता है उसका कैमरा। तो हमें यहाँ पर जो है बैक की तरफ जो है 13+2 के जो है दो कैमरे देखने को मिलते हैं, और फ्रंट की तरफ आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके और फीचर्स की बात की जाए, इसमें MediaTek का हीलियो का P35 का प्रोसेसर मिलता है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसके अलावा आपको इस फोन में जो है वो है इसकी थिकनेस, यानी 8 nm की जो है आपको यहाँ पर थिकनेस देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की तरफ नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम से क्लियर जो है सेल्फी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम आपके यहाँ पे अगर और देखें तो अगर इसके हम बैक कैमरा की नज़र डालें तो बैक कैमरा पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो है काफ़ी बहुत ही प्यारा लुक जो है आपको बैक में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीवो का कैमरा हमेशा जो है वीवो जो कंपनी वो अपने अच्छे कैमरा के लिए ही जानी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक टॉय है नॉर्मल सा, लेकिन उसमें जो आपको इमेज क्लियरेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके अलावा इसमें देखें तो ये यहाँ पे एक सुपर मैक्रो का भी एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए दिया गया है। और अगर इसमें देखें तो इसमें आपको लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स और जो है ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और वीडियो क्वालिटी की भी बात की जाए तो देखिएगा इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन जो है अभी देखने में पता चल जाएगा कि देखो इसमें वीडियो स्टेबलाइजर है, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो वीडियो स्टेबलाइजर जो होता है उसका काम यही होता है कि वो इमेज को अच्छे से जो है जो ऑब्जेक्ट है जो हिल रहा है हिलते हुए ऑब्जेक्ट को अच्छे से कैप्चर कर सके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें EIS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है।